हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इलेजी को डिस्कस करेंगे। इलेजी क्या होता है? इलेजी को हिंदी में हम शोक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेजी को शोक गीत कहा जाता है हिंदी में इसको। देखिए, आओ बात करते हैं इलेजी क्या है। एंड इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टिपिकली रिफ्लेक्टेड ऑन डेथ और लॉस। इलेजी क्या है? पोइट्री की एक फॉर्म होती है जो मोस्ट जो क्या रिफ्लेक्ट करती है, किसी की डेथ हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, या फिर किसी की लॉस हो जाना, मतलब कोई दूर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या किसी की डेथ हो जाए। ये चीज इलेजी में होता है। देखिए, अब इसकी उत्पत्ति कैसी होती है। द वर्ड इलेजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेजिया विच मीन्स टू लेमेंट और टू बी सोरोफुल। अब इलेजी की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड इलेजिया से हुई है, जिसका मतलब होता है विलाप करना, है ना, दुख पूर्व ये होता है। नेक्स्ट देखिए, द लिटरेली मीनिंग ऑफ इलेजी इज फनरल सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑफ रिवमेंट। अब देखिए क्या होता है, इलेजी का जो लिटरेली मीनिंग होता है वो क्या होता है। लिटरेली मीनिंग फनरल सॉन्ग, मतलब किसी की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसको फनरल सॉन्ग कहते हैं। देखिए, इट इज अ मोर्नफुल लिरिक ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन। ये लिरिक मतलब लिरिक क्या होता है, गाया जाने वाला छोटा सा गीत होता है। ये किसी के विलाप में, किसी की दुख में गाने वाला एक दुखपूर्ण गीत है। एंड इलेजी इज नॉट आइडेंटिफाइड बाई इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, बट इट इज आइडेंटिफाइड बाई थीम एंड सब्जेक्ट मैटर विच इज ऑलवेज सीरियस। अब देखिए यहाँ पर, जैसे अभी आपने सॉनेट पढ़ा होगा, सॉनेट सॉनेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉनेट में 14 लाइन्स होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, और स्पेंसरियन सॉनेट होता है, शेक्सपियरियन सॉनेट होता है, उसकी अपनी राइमिंग स्कीम होती है। इस तरह से हम सॉनेट को आइडेंटिफाई करते हैं, बट हम इलेजी को इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करते। इसी तरह जैसे ओड है, ओड में एड्रेस किया जाता है ना, उसका भी वो सब होता है। तो लेकिन एलेजी में ऐसा नहीं है। एलेजी में कोई इसका अपनी फॉर्म नहीं होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको इसके सब्जेक्ट मैटर से आइडेंटिफाई करते हैं। जिसका सब्जेक्ट जो मैटर रहेगा, इसका जो थीम रहेगी, वो हमेशा कैसी रहेगी, सीरियस रहेगी, मॉर्नफुल रहेगी, है ना। द थीम इज यूजली बेस्ड ऑन लव, डेथ, वॉर, रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। इसकी जो थीम है वो लव, डेथ, दुखी शोक पर, दुख पर, है ना, और सांत्वना पर ही रहती है। इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एनी पोएम विच वॉज रिटन इन एलेजाइक मीटर मीन्स इरेगुलर हेक्सामीटर, सिक्स पेयर्स ऑफ स्टेज्ड एंड अनस्टेज्ड लेवल्स एंड पेंटामीटर, फाइव पेयर्स लाइंस वाज डिनोटेड बाय द टर्म इलेजी। देखिए, ग्रीक और रोमन लिटरेचर में क्या होता था कि जो भी पोएम आपकी एलाइजिक एलाइजिक जो स्टेंजा में लिख दी जाती थी, उसको हम क्या कहते थे, इलेजी कहते। जैसे इलेजिक स्टेंजा क्या होता है, इरेगुलर हेक्सामीटर में लिखा जाता है। हेक्सामीटर क्या होता है, सिक्स पेयर्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल, ये आपका हेक्सामीटर होता है। ये किसी आपको जो मीटर है और ये लेवल है, किसी अलग वीडियो में आपको एक बना देंगे इसका। एंड पेंटामीटर क्या होता है, फाइव पेयर्स लेंस वाज डिनोटेड बाय द टर्म इलेजी। इस तरह से इसमें जो इलेजिक मीटर में होता था उसको इलेजी मान लिया जाता था। लेकिन अब इसको जो इंग्लिश की इंग्लिश लिटरेचर है उसमें इसको नहीं माना जाता है। जॉर्डन्स लव पोएम्स रिटन इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आल्सो। जॉर्डन ने जो 16th सेंचुरी और स्टार्टिंग की 7th सेंचुरी में अपनी कुछ लव पोएम लिखी थी। रिलेटेड टू द सेंस ऑफ लेजी एज लेमेंट फॉर मैनी ऑफ थीम इम्पोजेस इम्यूटेबिलिटी एंड लॉस, बट आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम इन 17th सेंचुरी द टर्म लेजी बिगिन टू लिमिटेड टू इट्स मोस्ट कॉमन प्रेजेंट यूजेस, अ फॉर्मल एंड सस्टेंट लेमेंटेड इन वर्स और द डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन यूजली एंडिंग इन कंसोलेशन। अब देखिए क्या कि 16 और 17th सेंचुरी, 16th लेट और 17th सेंचुरी में जॉर्डन ने कुछ अपनी
पोएम लिखी थी लव पोएम, तो उन पोएम को भी आपका एलेजी के अंदर रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, 17th सेंचुरी आई, तो उसमें उनको देखा गया और वो पोएम आपकी किसमें थी, म्यूचुअलिटी, जो भी चेंजिता जो भी आती है, जो भी लॉस खोया था उसमें उन्होंने रखा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया तो उनको भी उन एलेजी की कैटेगरी में से हटा दिया गया। अब एलेजी में, एलेजी का फॉर्मल कैसा हो गया कि एलेजी में सिर्फ वर्ष, मतलब वर्ष में रहेगा कि वर्ष मतलब होता है पद में रहेगा, किसी भी की मृत्यु पर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु पर जो गाना गाया जाएगा और सांत्वना से वो जो खत्म होगा जो कविता या पोएम, उसी को सिर्फ एलेजी कहा जाएगा। एंड एलेजी बिगिन विद लेमेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन और थिंग। एलेजी हमेशा स्टार्ट होती है विलाप करते हुए, किस पर, कि कोई चीज खो गई या किसी की लाइफ चली गई, मतलब लाइफ चली गई से मतलब कोई व्यक्ति डेथ हो गई है, उसकी कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ऐसी चीज, ऐसे स्टार्टिंग में एलेजी आपकी स्टार्ट होती है, किसी चीज के खो जाने पर या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या उसके दूर चले जाने पर आप एलेजी की स्टार्टिंग होती है। इट इज जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, और हमेशा ये फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है एलेजी। क्यों? क्योंकि एलेजी पोएट लिखता है ना, तो वो स्वयं को उसको मान के लिखता है, इसलिए एलेजी हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव इन मैनर। अब देखिए यहाँ पर ये जो है सब्जेक्टिव मैनर क्या होता है, ये जो एलेजी होती है वो आपकी हमेशा सब्जेक्टिव मैनर में रहती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ पर पोएट अपने आप को स्वयं प्रकट कर देता है कि ये मेरा विचार है, मेरे अनुसार है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पर पोएट अपने आप को छुपा लेता है और कहता है ये सबका मत है, सभी लोग इससे सहमत है, मतलब सभी लोगों का ये ऐसा विचार है, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाती है। जो सब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें पोएट अपने आप को प्रकट कर देता है कि ये मेरा विचार है, ये ऐसा मेरे अनुसार है, ठीक है, तो ये आपकी सब्जेक्टिव होती है। तो क्यों? क्योंकि जब ये फर्स्ट पर्सन में लिखता है पोएट, तो पोएट ही होगा, तो ये अपने विचार ही इसमें रखता है, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव ही होती है। एंड एलेजी यूजली ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज ऑफ थ्री स्टेज ऑफ क्रीप विच आर एज फॉलो। देखो वैसे इसका कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका कुछ वो है कि देखो ये कैसे स्टार्ट होती है, तीन चीजों को फॉलो करती है, तीन स्टेज को देखिए कौन कौन सी। क्रीप, सबसे पहले दुख होगा। एंड एलेजी बिगिंस विद द लैमेंट ऑफ लॉस ऑफ पर्सन और थिंग। एलेजी जब भी स्टार्ट होगी तो इसमें जो पॉइंट होगा वो मतलब लैमेंट करता हुआ विलाप करेगा किसी व्यक्ति के खो जाने पर या फिर किसी चीज के खो जाने पर, वो क्या करेगा, विलाप करता हुआ स्टार्ट करता है एलेजी को। एंड इन एन एलेजी द पॉइंट डज नॉट टेल अ स्टोरी बट द एक्सप्रेस हिज इमोशंस। देखिए किसी भी एलेजी में जो पॉइंट होता है वो कोई स्टोरी नहीं बताता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को बताता है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ऑफ द डेड, जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है पहले वो फिर उसके लिए रोता है, फिर उसकी क्या करता है, उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है। द सोरो इज फॉलोड बाय द पोएट्स एडमिनेशन ऑफ द पर्सन और थिंग लॉस्ट। जो भी व्यक्ति या पर्सन खो गया है ना, तो उसकी वो क्या करता है, वो प्रशंसा करता है। नेक्स्ट देखिए, कंसोलेशन टुवर्ड्स द लॉस। अब यहाँ पर फिर वो संतावना देता है, क्या देता है कि द पॉइंट सोर्स कंसोलेशन टुवर्ड द लॉस इन हिज एलेजी। जब भी एलेजी कोई खत्म होगी तो लास्ट में संतावना से ही वो फिनिश होती है। अब देखिए एलेजी के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, पर्सनल एलेजी होगी आपकी, इम्पर्सनल होगा, ये आपका समझ लीजिए सब। तो देखिए पर्सनल एलेजी क्या होती है, पर्सनल एलेजी When the poet laments on the death of some close friend or relative, जैसे कोई poet है तो उसका कोई close friend या उसका कोई relative है वो expire हो गया, उसके उसमें वो लिख रहा है, तो वो आपकी personal elegy हो जाएगी। जैसे आप personal से मतलब समझ ही रही होंगे कि personal चीज होती है ना, तो वैसे ही उसका कोई अपना उससे related होगा, खुद से जो उसका व्यक्तिगत होगा, उसके अगर मरने पर या दूर जाने पर लिखेगा तो वो आपकी पर्सनल एलेजी कहलाएगी। जैसे सब फेमस पर्सनल एलेजी यहाँ पे कुछ दी गई है, जैसे इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स में डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा था, इन मेमोरियम लॉर्ड अल्फर्ड टेनिसन ने लिखा था, जब इनके दोस्त अर्थर हेलम की डेथ अर्थम
अर्थात हेनी हेलम की डेथ हो गई थी, उनकी याद में इन्होंने ये लिखा था, कैप्टन वो कैप्टन माई कैप्टन, ये वॉल्ट विटमैन में लिखा था जब अब्राहम अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को कत्ल कर दिया जाता है, उस उनके ऊपर ये लिखा था वो कैप्टन माई कैप्टन, दिस वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ये अब ये देखिए, ये तो हो गई पर्सनल, अब हम बात करते हैं किसकी, इम्पर्सनल। देखिए पर्सनल का अपोजिट क्या होगा, इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या था, पोइट से ही रिलेटेड थे, उनके रिलेटिव थे, उनके फ्रेंड थे, और इसमें क्या होगा, जो पोइट से रिलेटेड ना पूरा ह्यूमन के लिए आते हो, जैसे देखिए द पोइट ग्रीप्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और ओवर सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड लिटरेचर। देखिए यहाँ पर पूरा ह्यूमन की बात की गई है, जो ह्यूमन की डेस्टिनी के लिए होता है ना, और उनकी कंटेम्प्रेरी लाइफ के लिए, उनके समकालीन की लाइफ जो लिटरेचर में है उनके लिए है। जैसे आपने सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है थॉमस ग्रे का एन एलेजी रिटेन कंट्री चर्च यार्ड, ये इम्पर्सनल पोइट्री सॉरी इम्पर्सनल लेजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस ग्रे की, जो है एन एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पेस्टोरल एलर्जी। देखिए पेस्टोरल एलर्जी क्या होती है, पेस्टोरल एलर्जी होती है, ये एक रूरल एरिया को दर्शाती है। इसमें पोइट क्या होता है, पोइट अपने आप को क्या मानता है, पोइट अपने आप को एक गडरिया मानता है, चरवाहा मान लेता है, और उस अपने दोस्त को भी या दोस्त या जो भी एक्सपायर हो गया है उसको भी सेम ऐसे गडरिया उसको भी चरवाहा मान लेता है, उसके मर जाने पर विलाप करता है। देखिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, इन लैटिन सेफरेट इज नोन एज पेस्टोर, लैटिन भाषा में जो गडरिया होते हैं चरवाहे होते हैं उनको पेस्टोर कहा जाता है। द पेस्टोर एलर्जी फॉर्म द ऑफ पोएट्री वाज ओरिजिनेटेड बाय द सिसिलियन ग्रीक पोएट थियोरेस्टस हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एलर्जी इन हिज आइडल्स। इन्होंने देखिए ये पेस्टोर एलर्जी को पोएट्री में सबसे पहले सिसिलियन ग्रीक के पोएट थियोसिटस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने अपने पहला जो वर्क लिखा था वो आइडियलस लिखा था। देखिए द पेस्टोर एलर्जी फॉर्म ऑफ पोएट्री पर प्रोस्पर्स्ट इन यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसा एंड 19th century। अब ये जो पेस्टोर एलर्जी की जो पोएट्री है वो रेनेसा के दौरान या फिर यूरोप में रेनेसा के दौरान 19th century में आपकी अच्छी खासी इसकी मतलब इसमें लिखे जाने लगे, इसकी समृद्धि हुई, मतलब इसको बढ़ावा मिला। It is a representation of both the poet and the person he laments for. The poet assumes himself to be a shepherd and laments at the loss of the life of the fellow shepherd. The pastoral elegy dwells upon the combined subject of death and sublime country life. देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे जिस भी पोइट का जो भी फ्रेंड या जो भी एक्सपायर हो गया उसका, तो उसको मान लेता है बुगड़रिया था, खुद को बिगड़रिया मान लेता है, और उसकी मृत्यु पर विलाप करता है ना, तो ये कंट्री साइड को इसी डेथ को, और कंट्री साइड मतलब जो गांव ग्रामीण दृश्य है उसको दिखाता है। द स्पीकर बिगिंस विद इनवोकिंग द म्यूज। अब इसमें जब भी ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो भी स्पीकर है वो म्यूज को इनवोकेशन करता है, म्यूज का आह्वान करता है। म्यूज कौन है, गॉडेस ऑफ ग्रीक आर्ट, ये ग्रीक आर्ट की देवी है म्यूज, इनको आह्वान किया जाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड मॉडेस्ट रूरल फिगर्स, और ये जो पेस्टोर है एलर्जी जी आपकी गांव के उसमें ही घूमती रहती है, गांव के ही उसका बताती है। इसमें कुछ फेमस पेस्टोर एलर्जीज हैं, जैसे एस्टोफल वाइस पेंसर, इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी पे लिखी गई, सिलिसीडस जो आपकी जॉन मिल्टन ने लिखी थी, इनके जो दोस्त थे एडवर्ड किंग जो आयरिश सी में डूब के मर गए थे उनके उस पर लिखा था लिसीडस, एडोनिस पीवी सैली ने लिखी थी जॉन किट्स के लिए। ये आपकी पेस्टोरल एलर्जी होगी, कुछ एग्जांपल थेरेसिस मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। अब देखिए एलर्जी से ही मिलते जुलते इंग्लिश में कुछ और वर्ड होते हैं जो शोक गीत भी कहलाते हैं, जैसे उसमें एक आपका था मोनोडी। मोनोडी क्या होता है, इट इज अ पोएम लेमेंटिंग ए पर्सन्स डेथ, ये भी किसी भी पर्सन की डेथ पे गाया जाता है। जनरली इट्स अ सॉन्ग इन ओड फॉर्म, ये ओड फॉर्म में होता है, लेजी का कोई फॉर्म नहीं होता है ना, बताया था आपको, लेकिन ये मोनोडी का क्या होता है, ये ओड फॉर्म में होती है, ओड फॉर्म में गाई जाती है, और इसको एक सिंगल एक्टर ही गाता है,
ये किसमें? ग्रीक ट्रेजडी में होती है मोनोडी। देखिए मोनो जहां पर शब्द आपका लिखा हो, ये एक रूड वर्ड होता है जिसका मतलब सीधा सा समझ लो सिंगल, अकेले। जैसे मोनोलोग आएगा है ना, तो मोनो आपका सिंगल से मतलब होता है इसका। तो मोनोडी एक कोई सिंगल पर्सन, इसमें किसी भी पर्सन की डेथ पर ब्लॉक करता है, रोता है। तो और ये किस फॉर्म में होती है? ये ओड फॉर्म में होती है, इतना इसको ध्यान रखना बस। अब देखिए थेनोडी क्या होती है? इट इज द फाइनल सॉन्ग इन अ कोरस ऑन द डेथ ऑफ पर्सन। देखिए मोनोडी एक व्यक्ति गाता था, लेकिन ये कोरस में गाई जाती है थेनोडी। ये भी किसी व्यक्ति के फाइनल सॉन्ग होता है, जो मर जाने पर जो गीत गाया जाता है वो ये उस पर्सन के लिए होता है थेनोडी। अब देखिए एक आपने सुना होगा एलेजी, डर्स और यूलोजी, ये तीनों शोक गीत पे ही गाए जाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो देखिए। एलेजी, डर्स एंड यूलोजी सर्व सिमिलर पर्पस इन रिलेशन टू मौन एंड फनियल सर्विस। जब किसी के अंतिम संस्कार या कोई व्यक्ति मर जाता है तब ये तीनों सॉन्ग गाए जाते हैं। कौन सा? एलेजी, डर्स और यूलोजी। बट व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम, इनमें तीनों में अंतर क्या है? बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये थोड़े से अलग है सब एक दूसरे से कैसे है। एंड एलेजी इज अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन सब्जेक्ट और पर्सन थ्रू सोरो और मेलनकोली। अब क्या होता है, जैसे कोई एलेजी है तो कोई व्यक्ति मर गया तो उसके उस व्यक्ति के दुख को और दिखाया जाता है ना। और एलेजी आर टिपिकल पोएम्स अबाउट समवन हु हैज डाइड, और ये कोई मर गया उसके बारे में पोएम लिखी जाती है। और डर्ज इज अ ब्रीफ ह्यूमन, देखिए और ये डर्ज क्या है? डर्ज एक छोटा सा ह्यूमन भजन टाइप जैसा होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए अपना सम दैट एक्सप्रेस लेमेंटेशन और ग्रीफ एंड इज अ जर्नली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट फनरल। ये उसी टाइम पे गाया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति मर गया है तो उसी टाइम पे उसकी तारीफ में जो गाया जाता है वही आपका डर्ज होता है। इन लिरिक पोएट्री अ डर्ज इज टिपिकल शॉर्टर एंड लेस रिफ्लेक्टिव और मेडिटेटिव देन एन एलेजी। और ये डर्ज क्या होता है? ये इससे मतलब एलेजी से छोटा होता है। एंड एलेजी यूलोजी इज अ स्पीच गिवन एज पार्ट ऑफ फनरल सर्विस दैट इज रिटन इन ट्रिब्यूट एंड प्रेयर्स ऑफ समवन हु हैज रिसेंटली डाइड। अब ये किसी की प्रशंसा में किया जाता है जो तुरंत तुरंत मतलब मर गया है, या उसके लिए ट्रिब्यूट, ये आपकी श्रद्धांजलि भी हो सकती है जो अभी हाल में कोई व्यक्ति मरा। देखिए अब इन तीनों में अंतर है क्या है वो समझ लीजिए। जैसे एलेजी है आपका, एलेजी कोई व्यक्ति मर गया है ठीक है, तो उसकी आप प्रशंसा में लिखेंगे शोक गीत, ये कभी भी आप लिख सकते हैं शोक गीत। और डर्ज क्या है? जैसे कोई व्यक्ति मर गया, आपने देखा होगा ये जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ लोग रोते हैं गा गा के उसके बारे की, अच्छी अच्छी ऐसा आदमी था, ये था, वो था, ये सारी बातें करते हैं। तो ये क्या होता है? डर्ज। जैसे कोई अभी अभी मरा है ना, तो उसकी तुरंत ही उसकी जो प्रशंसा करके रोते हैं, प्रशंसा, अरे भाई ऐसा था, गा गा के रो, तो उसमें जैसे रोते टाइम पे जो उसकी पिछले की बातें याद कर करके या जो भी आगे की बात याद कर करके जो भी चीज आती है तो वो एक रिदम सा बन जाता है ना, तो वही आपका डर्ज कहलाता है। और यूलोजी क्या है? उसकी जैसे प्रशंसा में हम उसकी प्रशंसा में श्रद्धांजलि में उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका डर यूलोजी होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।